हमारे बीच बहुत दिन के बाद अपने आप को छिपाते हुए रखते थे, आज कैसे प्रकट हुए हैं उसी कड़ी में आइए। आप लोगों के भी श्री धनंजय साहब उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं एवं माताओं, अभी हम सब श्री सुपास साहब से बहुत ही अच्छे ढंग से विचार सुन रहे थे। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर ये हो ही जाता है। इंसान से गलतियाँ होना स्वाभाविक है। हमारा जो मनुष्य कत्तन है, यह भी एक गलती का ही परिणाम है। किंतु इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे बचने के लिए, आगे फिर गलती ना हो इसके लिए हमें सुधार की आवश्यकता है। मैं अभी सुन रहा था तो एक कहानी याद आ गई। एक बार एक स्कूल में कुछ बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे। आजकल भी आप सब जानते हैं, स्कूलों में प्रयोगशाला होती है, और प्रयोगशाला में विज्ञान के विषय में जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के बाद फिर प्रयोग कराया जाता है। वैसे ही सभी बच्चों को लेकर प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए गए थे। लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। ऐसे ही कुछ प्रयोग कर रहे थे तो कुछ असावधानी हुई एक लड़के से। उसने कोई केमिकल लिया और शायद हाथ से छूट गया या कुछ हुआ, वो केमिकल छटक करके लड़की के आँख में पड़ गया, और वो इतना विषैला हुआ, इतना घातक हुआ कि उस लड़की की आँख की दोनों रोशनी चली गई, दोनों आँखों की रोशनी चली गई। वो तो अब बेचारी असहाय सी हो गई, जीवन दो नावों के बीच में जैसे पड़ गए हो ऐसा हो गया। जवान भी हो गई थी, शादी का उम्र हो गया था, रिश्ते आते लेकिन उनकी आँखों के कारण सब छोड़कर चले जाते। और सारी पर्सनालिटी अच्छी थी, किंतु अब जो कुछ कर ना सकती हो, न देख सकती हो, और न देखने के कारण वह कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसे में क्या करे। फिर भी बेचारी घर में रहती और अपना जीवन गुजारा कर रही थी। इधर यह लड़का धीरे धीरे एक बहुत बड़ा इंसान बना, पढ़ाई और आगे किया और एक अच्छा आदमी बना, खूब पैसा कमाता था, दूर रह करके बहुत पैसे कमाया। संयोगवश एक बार अपने गांव आया तो उसे वो बात याद आ गई। सोचा कि कैसे हैं वो, पूछूं जरा, गलती मुझसे हुई थी। गांव वाले को पूछा तो पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, वो घर में रहती है। वह सीधा उठा और उसके घर चला गया, मिला और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली, आप ऐसे अपने जीवन को क्यों उलझा रहे हो, मैं तो हूँ ही जैसे तैसे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुमसे ही अब शादी करना चाहता हूँ, यह मेरी गलतियों का प्रायश्चित भी होगा और एक सेवा भी हो जाएगी, या फिर जो समझो। वो भी मान गई और अंत में वो भी उसके साथ हो लेती है, शादी हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि हम गलती अवश्य कर लेते हैं, किंतु समाधान
हर जगह होता है। कहा भी जाता है कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी होता है। बस हमें अपना नज़रिया बदलने का ज़रूरत है। हमारी नज़रिया बदल जाए, उसमें देखने का ढंग हो, तो कितने ऐसे उदाहरण हम सब सुनते रहते हैं जहाँ कुछ असावधानी हो जाती है तो कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो इंसान वहाँ भी संभल जाता है। हम अपने जीवन को देखें, जीवन में कितनी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर में कोई भी काम करते हो तो एकदम अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे ढंग से कर ले जाते हो, ऐसी बात नहीं है। एक घंटे में ही अगर कुछ हम काम करते हैं तो उसमें भी अनेक असावधानियाँ हो जाया करती हैं, अनेक गलतियाँ हो जाया करती हैं। किंतु अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराता। जो गलती एक बार हो जाए, वह गलती यदि हमसे दोबारा ना हो, तो हम अच्छे इंसान माने जाएंगे। गुरुदेव जी अक्सर कहा भी करते थे कि एक बार ठगावे बावन बीर कहावे, और बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बड़ी मनोरंजक ढंग से कहते थे गुरुदेव जी। हम सब गप्पू नाथ कहते जाते हैं। जो गलतियाँ एक बार होती है हम उसे चेतते नहीं हैं। वास्तव में गलतियाँ ही हमारे सुधार का रास्ता है। यदि हमसे गलतियाँ ना हो तो हम शायद अपने मंजिल की ओर आगे भी ना बढ़ पाएं। बस धीरे 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 कछुए की चाल से चलते रह जाएंगे। किंतु यदि जीवन में अपने साधना के क्षेत्र में अपने मंजिल में अगर प्रगति चाहते हैं, गतिशील चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा मन बनाना चाहते हैं, अच्छा स्वभाव बनाना चाहते हैं, तो अपनी गलतियों को देखना आवश्यक है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे तब तक हम अपने जीवन को नहीं सुधार पाएंगे। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने भी कहा है कि भूल मिटे गुल मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। भूल की औसत क्या है? पारखी संत, पारख में स्थित होना, परख करना। जैसे हम कोई काम करते हैं यदि बिगड़ जाता है तो फिर से हम उसे सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी हो गई, इसमें और क्या सुधारने लायक है, हम क्या ऐसा करें कि यह काम फिर से बन जाए। हर जगह यही सोचते हैं। वैसे ही अपने जीवन के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने मन के लिए। हमारा स्वभाव बिगड़ रहा है तो देखें हमारे स्वभाव में क्या गड़बड़ी है, क्या त्रुटि है। लोगों के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। बुरा क्या है? जब हम अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं। मंजिल हमें मिलेगी तब जब हम अपनी गलतियों को सुधार ले जाएंगे। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, अपनी गलतियों पर दृष्टि ही नहीं डालेंगे, तो हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएंगे? और हम सब साधक हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए आए हैं। अपने जीवन को सुधारें, उसको देखें नित प्रतिदिन। इसीलिए ध्यान का एक माध्यम बताया जाता है। ध्यान आखिर है क्या? जैसे हम कहीं जाते हैं, बच्चे थे तो कहीं जाते थे तो माताएं कहती थी बेटा ध्यान से जाना, कुछ काम करते हैं बेटा ध्यान से करना, साइकिल चलाते हैं तो बेटा ध्यान से चलाना। मतलब वहाँ क्या आँख बंद करके बैठ करके साइकिल चलाने कहते हैं? नहीं, ध्यान का मतलब है सावधानी, सतत सावधानी, हर समय सावधानी, पग पग। बुजुर्ग जन कहा भी करते हैं कि पग पग पर फूंक फूंक करके पैर रखो। मतलब वहाँ क्या फूंक करके रखने की बात क्या है? मतलब कि वहाँ देख करके, विचार करके, सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम अपने जीवन को देखें, स्वभाव को देखें,
हमारा जीवन जो जटिल हो जाया करता है वो इसलिए नहीं होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ बिगाड़ है, वहाँ खराबी है। कुछ बातें होती हैं, मगर उससे ज़्यादा यह होता है कि हम अपने स्वभाव को उस वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाते। जैसे जैसे यहाँ हम लोग हम सब बैठे हैं, कूलर की ठंडी हवा चल रही है, कोई ऐसा आदमी हो जिसे कूलर की ठंडी हवा सूट ना करती हो, वो नुकसान पहुँचाता हो, और फिर भी वह चाहे कि नहीं हम वहीं बैठेंगे, तो क्या होगा? दुख तो उसे ही भोगना पड़ेगा ना। आवश्यकता है कि हम उसे समझें। यदि हमें सूट नहीं करता है तो हम बाहर चले जाएं। अब यह दोष कर दें कि नहीं यहाँ कूलर की ज़रूरत ही नहीं है, हटा देना चाहिए, ये मूर्खता है यहाँ रख करके चलाते हैं, ये गलत है। आवश्यकता है कि हम अपने आप को उसके अनुसार ढालें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता, ना ही हम माहौल बदल सकते हैं। किसी भी चीज़ में सुधार के तीन स्टेप बताए जाते हैं। क्या है? या तो आप उस परिस्थिति उस माहौल को बदल सकते हैं, उसको बदल दीजिए। नहीं बदल सकते तो जो आपके लिए विपरीत कह रहे हैं या जिनसे आपको लगता है कि ये बदल जाए तो अच्छा हो जाए, उनको बदल दीजिए। यदि उन्हें भी नहीं बदल सकते, दोनों को नहीं, दोनों परिस्थितियों पर आप नहीं सुधार कर सकते, तो तीसरा है और वो अंतिम है, वह है अपने आप को बदल देना। अपने आप को यदि बदल लेते हैं, अपने आप को सुधार कर लेते हैं, तो हम उस माहौल में भी एडजस्ट हो जाएंगे और वहाँ का माहौल जो है वो ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए है। अपने जीवन में देखें, अपने स्वभाव में देखें। हमें लगता है कि दूसरे हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। क्यों डांटते हैं, क्यों फटकारते हैं? हमारी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं उसके कारण, तो उसे हम सुधारने का प्रयास करें। अक्सर हम लोगों से यही हो जाया करता है कि हम उसे सुधारने की बजाय हम उस व्यक्ति को डांटने या फटकारने लगते हैं जिसने हमें भला बुरा कहा हो, किंतु वह तो सुधरेगा नहीं, बल्कि हम अपने स्वभाव को भी और ख़राब कर लेते हैं। तो हम सबको ज़रूरत है, हम सबको चाहिए कि हम अपने आप का बदलाव करें। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई। हमें पारख स्थित होने के लिए सदगुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि पारख एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हें उस सत्य की परख कराता है। कहीं कबीर, भूल की औषध पारख सबकी भाई। यही अपने भूल को सुधारने की औषध है, यही एक रास्ता है जिससे हम उसका सुधार कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम सब हर क्षण देखें, विचार करें, और अपने मन में जो बुराइयां आ जाती हैं, मन में जो कुविचार आ जाते हैं, उसे धीरे 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 करके दूर करने का प्रयास करें। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और सुखद बना सकते हैं। और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।